आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं बोकारो के महिला पॉलिटेक्निक में पहुँचा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बोकारो, तो बोकारो का ये बालीडी का पॉलिटेक्निक कॉलेज है महिलाओं का। तो आइए जानते हैं कि इस कॉलेज की क्या क्या विशेषता है और इस कैंपस को देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेन गेट है कॉलेज का, और यहाँ से आप अंदर आ जाते हैं तो ये कैंपस आप देख ही रहे होंगे कि ये मेन कैंपस हो गया आपका। और कैंपस के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ शायद एक छोटा सा मंदिर भी है, बजरंगबली का एक छोटा सा मंदिर है। और मंदिर के बगल में आप अगर आगे आ जाएं तो ये यहाँ का मेन बिल्डिंग हो गया। ये मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये पॉलिटेक्निक कैंपस का मेन बिल्डिंग है, ये बोकारो महिला पॉलिटेक्निक का। और बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ साइड में आप देखें तो हॉस्टल है, मतलब कि बच्चियों के रहने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है कि बच्चियाँ यहाँ रह सकती हैं। और काफ़ी सेफ्टी है क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उनको पास यहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ गेट पर परमिशन है कि परमिशन के बिना कोई बच्चियाँ नहीं आएंगी। जो जाएंगी तो गेट पर एंट्री होती है सारे बच्चों का, हॉस्टल के सारे बच्चों का यहाँ एंट्री करना होता है। तो आइए अब आगे जानते हैं इस कॉलेज में, जो चूँकि ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन आपको लगेगा कि आजकल के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी प्राइवेट से काफ़ी बेस्ट हो गई है। क्योंकि आज प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छा कैंपस का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए कि कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सरकार ने, हमारी झारखंड सरकार ने हर कॉलेज को काफ़ी खूबसूरत बना दिया है और कैंपस जो है काफ़ी चेंज हो चुका है और हर कॉलेज का स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज है। तो आइए अब हम लोग आइडिया लेना चाहेंगे बच्चों से कि भाई यहाँ का अगर आपको एडमिशन लेना हो गर्ल्स को, तो भाई यहाँ तो एक तो पहले सारे गर्ल्स का ही एडमिशन होता है, और गर्ल्स को कितना रैंक लाना होगा, किस रैंक पर आपको कॉलेज मिल पाएगा और कौन कौन से ब्रांच होते हैं, इसके सारी आइडिया हम लोग यहाँ लेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, बैठ जाइए। तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि यहाँ कौन कौन सा ब्रांच होता है। मतलब कि आप अगर झारखंड में कोई गर्ल्स अगर चाहती हैं डिप्लोमा करने के लिए, तो बोकारो में आप तीन ब्रांच में कर सकती हो। एक सीएस का है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके लिए आप मुझे बताएं कि कितना रैंक लाना पड़ेगा, और चूंकि झारखंड का एंट्रेंस का पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होता है तो उसमें रैंक लानी होती है। तो यहाँ का सबसे मेन पेपर आपको कौन सा लगता है, कि कौन सा ब्रांच है जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है? इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने के लिए यहाँ पर आपको कितने रैंक की आवश्यकता पड़ेगी? लगभग 1500 के लमसम, मैंने 15 से अगर ज़्यादा आता तो फिर मुश्किल है, 1500 के रैंक के अंदर ही आना होगा। नहीं, एक CML रैंक की मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल एक CML रैंक है, लगभग 1500 में आपको 2000 तक भी मिल जाता है मे बी इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रॉनिक्स और CS के लिए अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स 4000 to 5000 तक भी गर्ल्स को मिल जाता है। और CS के लिए 7000 तक, मतलब 7000 तक भी CS मिल जा रहा है। प्लेसमेंट्स को लेकर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों का डायरेक्ट रांची ही कैंपस के लिए चले जा रहे हैं सारे बच्चों को कैंपस के लिए, तो आप लोग नए फ्रेशर हो ना, तो प्लेसमेंट के बारे में तो आप लोगों से ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनके लिए तो सीनियर स्टूडेंट से ही मेरे को ज़्यादा आइडिया मिल पाएगा, क्योंकि फ्रेशर बच्चे हैं भाई। तो इनसे आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि कितने कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल पाता है यहाँ, और कैसा पढ़ाई में मन लग रहा है। कैंपस तो काफ़ी आप लोगों का चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर से एकदम प्राइवेट कॉलेज से भी बेस्ट हो चुका है, इतनी सारी फैसिलिटियाँ बढ़ गई हैं, तो पढ़ाई में आप लोगों का मन लग रहा है। तो आगे करियर में क्या करना चाहती हैं आप लोग डिप्लोमा करके? सर, आई वांट टू डू बीटेक। ओके, यू वांट टू बीटेक। कहाँ से करना चाहती हैं? दैट इज इंडी। यस सर, फ्रॉम रांची। अच्छा, रांची से करना चाहती हैं। चलिए, तो D2D का एग्ज़ाम भी होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि D2D एग्ज़ाम के थ्रू आप तैयारी कर सकती हो और उसे एग्ज़ाम दे सकती हो। और आप लोग क्या करना चाहते हो? अच्छा, सब बीटेक ही करना। आप लोगों का ब्रांच क्या है? ओके, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट्स हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। तो भाई, इस तरह से एक छोटा सा वीडियो था जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ अगर आप कोई भी गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास दो तीन जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है कि झारखंड का आपका आवासीय होना चाहिए। अगर आप झारखंड के आवासीय आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और झारखंड के एग्ज़ाम के लिए पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा ये है
कि आप टेंथ पास आउट हो, ऐसे टेंथ अपेयरिंग भी बच्चे देते हैं लेकिन टेंथ पास आउट होना चाहिए, ये यहाँ का कंडीशन है कि उतना होना चाहिए। और रैंक के बारे में जो आइडिया हो गया होगा आपको, ये पूरा सिलेबस टेंथ का होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछे जाते हैं, 50-50 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसको अटेम्प्ट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग चूंकि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितने नंबर पर होगा, तो यहाँ पर रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CML रैंक आपका क्या आता है। तो जैसा उन्होंने बताया आपको कि सारे रैंक के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में कितना रैंक लाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना लाना होगा, कंप्यूटर साइंस में, तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छा आइडिया लमसम हो चुका होगा। और मैं थोड़ा सा कैंपस आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी खूबसूरत सा कैंपस है ये एंट्रेंस, चूँकि मैंने बताया ही काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ काफ़ी बेहतर है, और साथ में ये बिल्डिंग कैंपस को भी आप देखें तो आपको ये प्राइवेट कॉलेज से कम नहीं लगेगा। तो चलिए इसके बाद मैं, अच्छा ये हॉस्टल्स का भी कैंपस है आप देख रहे होंगे, यहाँ से रास्ता है और काफ़ी अच्छा एक ग्रीन एनवायरनमेंट है, मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच ये कॉलेज सिचुएटेड है। काफ़ी खूबसूरत देख रहे होंगे आप कि यहाँ आम का पेड़ और एक काफ़ी खूबसूरत सा एक ग्रीन एनवायरनमेंट के बीच ये कॉलेज सेट है। और हॉस्टल का कैंपस भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ हॉस्टल्स भी काफ़ी अच्छा, एक पूरी सुरक्षा घेरा के अंदर है, मतलब कि एक बाउंड्री के अंदर ये पूरी व्यवस्था है। तो ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ हॉस्टल का कैंपस भी, यहाँ आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं, ये हॉस्टल्स का कैंपस हो गया, हॉस्टल्स, हाँ ये पूरा हॉस्टल का कैंपस है, देखने बच्चियाँ जा रही हैं, तो ये पूरा हॉस्टल का कैंसन। और इधर में शायद मेस है, मेस उधर है, मेस उस साइड में, साइड में मेस, अच्छा मेस यहाँ है। और नई बिल्डिंग्स भी कुछ बन रहे हैं, ये नया बिल्डिंग बन रहा है, तो सर ये किस चीज के लिए बन रहा है? ये नया हॉस्टल है, अच्छा ये भी हॉस्टल ही है, सब हॉस्टल, ओके तो ये भी हॉस्टल ही है। तो चलिए ये काफी बेहतर सा कैंपस है बोकारो बालीडी गर्ल्स पॉलिटेक्निक का, लेबोरेटरी है, अच्छा ये लैब हो गया, आप यहाँ देख रहे होंगे ये पूरा लैब है, ये साइड पूरा लैब है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया, सर बता रहे हैं हम लोगों को पूरा डिटेल। हाँ तो उम्मीद है कि ये सारा चीज आपको काफी खूबसूरत लगा होगा। तो आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। तो कल 26 जनवरी है और मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में ये वीडियोस मैं डाल रहा हूँ बोकारो के पॉलिटेक्निक कॉलेज का। उम्मीद है कि आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि भारत में झारखंड आज कितनी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।